अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना अच्छी तरह वेलकम करने का ऑडियंस को। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग, कैसा लग रहा है? अभी आपने बहुत बेहतरीन 3 से 4 शोज देखे हैं शादी के, और ये आखिरी शो है शादी का, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी करने में हम लोग कामयाब रहे हैं। कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पर आके? अच्छा लगा। अच्छा, प्रॉब्लम कुछ ऐसे है कि ऐसा होता है अक्सर, नहीं कभी भी, 8:15 पर साहिर भाई यहाँ होते हैं हमेशा सेट पे, लेकिन आई डोंट नो फॉर सम वेयर रीजन साहिर भाई यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन रूम इज इन रूम एंड वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एंड वेयर इज ही। कोई कॉल नहीं उनकी तरफ से, ना उन्होंने बुलाया, सो आई रियली डोंट नो क्या होने वाला है, क्या है एंड हाउ आर वी गोना एंड दिस वेडिंग वीक उनके बगैर। सो कैसा रहेगा शो साहिर भाई के बगैर? Do you want Sahir bhai back? Everybody wants Sahir bhai back? So you have to call his name. Unka naam lena padega baar baar. We don't know. So this is aapka Sahir. This show is aapka Sahir and is incomplete without Sahir bhai. So let's see what happens and we are waiting for him abhi still. जब तक बाकी मैं आपको फिर से मिलवा दूं, दिस इज आर दूल्हा वाले। सो दूल्हा वालों के लिए बहुत तालियां, आज सब एक साथ हैं। सो जस्ट लेट्स वेट फॉर साहिर भाई एंड सी व्हाट हैपेंस। फर्ज करें कि कल आपको ये पता चले कि यहाँ ये शादी होनी नहीं चाहिए तो क्या होगा? फर्ज करो और अगर शादी होनी भी चाहिए तो कम से कम सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए तो क्या करेंगे? मैंने कहा ना कल रात को 2 बजे मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा शौक मिला, सो कल सुबह 9 बजे बताऊंगा। मैंने लियाकत को इसलिए बुलाया, आप सब लोग भी कल इनवाइटेड हैं, एवरीवन विदाउट एनी फेल आइएगा। चीफ बॉस, चेंज कर दूंगा मैं सब कुछ कर, हर उस बात को जिसे हम सही मानते हैं, हर उस बात को जिसे हम सही जानते हैं, कल बदल जाएगा सब कुछ। कल सुबह 9 बजे सभी कुछ बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। हो सकता है कि कल मेरी जिंदगी का आखिरी शो। कैसे हैं आप लोग? सही हैं? पक्की बात है? आप लोग कैसे हैं? सही हैं? आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं?
किसने कहा नहीं सही है? हम भी ठीक हैं। किसे हैं? आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आज सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने टेलीविजन पे हमारे शो को देखा है, एंड बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। और इतना सैड क्यों हो रहा है, हम लोग जरा तालियां वालियां बजा दो, तुम लोगों को क्या मसला है? तो और दूसरी एक और बात बता दूं, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस शो नंबर वन शो ऑफ पाकिस्तान। आज कुछ अहम ऐलानात हैं मेरी तरफ से। ऑनेस्टली आज का दिन बड़ा एक्साइटिंग दिन है, बहुत अच्छा दिन है। अच्छा दिन इस सेंस में है कि कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए होगा इंशाल्लाह। मैं हूंगा तो भी अच्छे के लिए होगा, मैं नहीं हूंगा तो भी अच्छे के लिए होगा। एवरीथिंग दैट्स गोना हैपन टुडे इज गोना हैपन फॉर द बेस्ट फॉर दिस कंट्री फॉर दिस शो। आई हैवन्ट स्लेप्ट सिंस लास्ट नाइट, सिंस एक्चुअली अ नाइट बिफोर। रात को 4 बजे तक तो मैं रेडियो ही कर रहा था, तो उसका थोड़ा प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद नींद नहीं आई, तो आई बीन अप सिंस देन। थोड़ा म्यूज़िक पीछे लगा दो यार, बगैर म्यूज़िक के मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो मुझे एक फैसला करना था, सो आई हैव टेकन दैट। एंड में आपको बताऊंगा, लेकिन हम सिर्फ इन्जॉय करेंगे अभी, और एंड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने फैसला क्या किया। आज जैसे आप शादियों के शोज़ देखते हैं, आज उनके बारे में आपकी राय बदल जाएगी, आपकी राय मेरे बारे में बदल जाएगी, आपकी राय अपने बारे में बदल जाएगी। और यू नो, थोड़ा मैं भी थक गया हूँ, थोड़े आप लोग भी थक गए हैं मुझे देख देख के। तो आई थिंक लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। लेकिन इस शो के एंड में आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आई गॉट हर्ट, आई डिडंट लाइक व्हाट हैपन, आई हेटेड इट, एंड आई थिंक अगर ऐसा ही होना है तो फिर मुझे नहीं होना है। और ऐसे ही अगर होना है और ऐसे ही चलेगा तो फिर नहीं चाहिए मुझे इसका कोई भी पार्ट। आई डोंट विश टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ दिस। रीज़न इज बिकॉज बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में बहुत सारी राय होगी, बट आई एम अ वेरी सिंपल मैन, वेरी वेरी सिंपल मैन एट हार्ट, वेरी सिंपल मैन। ये कपड़े इसलिए पहनता हूँ, वैसे तो कपड़े पहनता हूँ घर पे मैं। बोले हाँ, ले कपड़े ऐसे, अच्छा इसे इसे एक बात तो जाहिर होती है, आप कितनी संजीदा बात करते हैं, औरतें कपड़ों के अलावा कुछ नहीं देखती। कोई चीज़ नहीं देखती। एक बात है, ये शलवार जो यूनिसेक्स मर्द और खवातीन दोनों पहनते, तो मैंने आज क्या औरतों की शलवार पहनी हुई है? कसम खुदा की भाई मेरी शलवार है। हम अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी शलवार को। क्या कह रही है? इसकी काजल बिल्कुल ऐसी शलवार है। सेम ऐसे। अबे चेंज करो यार ये। चेंज करो यार ये शलवार। दूसरी शलवार लाके तो मुझे अच्छा मैं सोच रहा था कि इसमें ये काली वाली काम वाम क्यों हुआ? नहीं अच्छी लग रही है। नहीं बहुत खूबसूरत है ये भाई, बहुत खूबसूरत है। स्टाइलिश स्टाइलिश। आपके ये देख के ना, जो यहाँ पे ये जो कॉलर्स बने हुए देख के याद आ रहा है, जब मैं स्कूल में होती थी तो यहाँ वी पहनती थी, तो वी के अंदर यहाँ पे डालती थी। काश आप एक वी ना होती, ना होती, पर ऐसा मुझे याद आया। अच्छा मैं शो से पहले भी तो जा सकता हूँ ना? तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि शो के बाद ही आ जाए। अब मैं चलो शलवार की शलवार की हद तक तो बिल्कुल ठीक था, अगर मैंने ये पहन लिया है तो फिर मैं चलना भी यूं शुरू करूंगा। हेलो खुदा ना करे कि हमारी आर्मी ऐसे कपड़े पहने इसके अलावा कोई डिजाइन। आप किस चक्कर में ऐसे बैठी हुई है? जगह नहीं, क्या मतलब है? दिल में जगह होनी चाहिए। हाँ आ जाइए। थैंक यू, मैं आ जाती हूँ। मतलब एक खातून अजीब सी बच्ची नहीं होती, हरे रंग की बच्ची। एक हरे रंग की बच्ची। आप इधर की कार बिठाएंगे? नहीं ये सही लग रही है, अच्छी लग रही है। अरे दो आदमी लेकिन सुने यार, तुम थोड़ी सी इधर हो जाओ ना, इतनी सी मैं बिठा रही कब से।
लेकिन साहब ये देखो आ गई पति पत्नी परेशान होने लगे। बैठिए नहीं तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। नहीं भाई आप ठीक है अब बैठ जाओ। अच्छा अभी एक और मसला भी है वो भी हल कर लीजिए। क्या क्या मिसेस खान कहाँ बैठेंगे ये जगह देख के रहते हैं। क्या जी जी मेकअप में मिसेस खान मेकअप रूम में मिसेस खान बैठेंगे फैसल नकवी और अरूज के बीच में। क्या देखो देखो अब तो जो एंड में जो ना होना है वो होना है लेकिन आज आज शो के अख्तिताम तक बिंदास फन करते हैं। करें बिंदास फन। यस भाई सीरियस बात कहो। हाँ सीरियस भाईजान में से आज तो आज बनता है। और देखो शर्ट भी मैचिंग की है मैंने इससे। बस बस कर मेरा भाई बना भी सारे जितने मर्द हैं सब आए इधर आए। एक गाना लगाएगा पीछे से ना। नहीं मर्द नहीं हो। नहीं 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 एक इसमें इसमें तुम लोग पीछे आओ। इसमें एक खास मूव होती है, खास मूव होती है। उछल के बंदा ऐसे यूं करके यूं आता है। You all have to do this. लगाइए जरा गाना लगाइएगा। तुमको भी करना है। एक माह जबी एक नूर नगी रब की रुबाई क्या है तबाही गर्दन सुराही बोली इलाही अफगान जलेबी माशूक फरेबी
घायल है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया अपमान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया एक बात है सबके पास माइक तो है ना किसको बुलाना है आप बताएं आप पिक करें आप अभी बुला तो कल जो तीन बच्चियां आई थी वो कहाँ हैं क्या वो आज नहीं है आज यहाँ कोई नई तीन पिक कर लें अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ ये तीन बच्चियां भी बहुत अच्छी हैं ये तो बहुत अच्छी एक दो तीन दिन अरे आप भी तो एक बच्ची के बराबर में बैठी हैं भाई मासूम से तबीयत सही अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लग रही मैचिंग की है देखो मैचिंग खुदा को मानो आज वल्ला वाले में यार लेकिन आज आप दर्शन का मूड ना खराब करें वो बड़े अच्छे मूड और क्या देखो इतने अच्छे अरे तो ये मुझे देख के और अच्छा मूड हो जाता है मैं अच्छे मूड में हूं तेरा तो मुंह ही अच्छा नहीं है दर्शन तो दिल पे मत ऐसे लग रहा है वलीमे का प्यार है दिल पे लाख नहीं यार अब तुम कुछ भी कहो मैं तुम्हारे किस्मत में लिख चुका हूं राजा भाई ये कुछ सुनता है ऐसे लग रहा है वलीमे का प्यार है वलीमे का प्यार लग रहा है पूरा आ जाओ आओ कलर थीम ऐसी ही है और मजे की बात बताऊं वैसे ये मेरा भाई है क्या हां ये वाला काम दिखाओ ये मेरा भाई है उनकी 10 बहनें पहले ही हैं उनको और बहनें नहीं चाहिए इनकी 10 बहनें पहले ही इतनी बहनें मेरी अब तुम्हें भी बहन बना लूं हां ना गई ना अच्छा सारी बात छोड़े कौन कर रहा है कौन परफॉर्मेंस कौन दे रहा है ये तीन लोग मेरे बगैर डांस किया बेटा गंगे के सामने कभी बाल यूं नहीं करते ओके क्या करोगी माइक गाना तो गाने के लिए
अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ जिसको भी पिक करोगी तुम्हारे साथ डांस कर लेगा, ठीक है? एनीवन लगाइए, गाना लगाइए। ये कह रही है अफगान जलेबी। ओके, मुझे मत उठाना, मेरे अलावा किसी को भी उठा लो। अच्छा मुझे ये बताओ, एक एक करके पूछता हूँ, आप लोगों को कैसा लगा अब तक, चार दिन कैसे लगे? मुझे तो बहुत मजा आया ताहिर भाई, और बहुत एंजॉय किया। एंजॉय किया ना हम सबने। और भाई तुम बताओ कैसा लगा तुमको? अच्छा लगा, और कैसे डर भी लगा। माइक पास ऑन करते रहो ताकि सब लोगों से बात हो जाए ना। पर डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या है। नहीं नहीं, मुझसे नहीं डरो, मेरा चेहरा निकला हुआ। कह रही है डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। हां, किस चीज से डर लग रहा है? यही ना कि क्या होगा। अभी जो शो के स्टार्ट में क्लिप चली थी उस क्लिप से हम सब डर गए। बस खत्म हो गया। हां, वो सस्पेंस खत्म हो जाना है। जो है वो टॉर्चर कर रहा है। हम भी पूरी रात, जैसे आप नहीं सो सके हम भी रात नहीं सो सके। ये सब देखो भाई, नहीं, नहीं, नहीं,
देगी। बहुत बहुत ज्यादा टेंशन करो यार। देखो जी बात क्या है, आप नहीं सोई उसकी वजह और थी, मैं नहीं सोया उसकी वजह और थी। सुबह सोए के टाइम करो, मगर बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया और अब फुल ऑफ फन। चार दिन ऐसे गुजर गए और आज पांचवा दिन है कि पता ही नहीं चला। ऑनेस्टली एक बात बताऊं, हो सकता है कुछ भी ना हो और इतनी बड़ी बात हो जाए कि आपको हर महीना ये ऐसे शोज एंजॉय करने को मिले। अगर 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 हमने अगला कोई शो किया तो तुम्हें कसम है अफगान जलेबी मत लगवाना। अच्छा एक बात, एक बात, एक मजे की बात है, हमारे हमारे जो लाइबा है ना, लाइबा हमारे वो जो लाइबा, तो लाइबा कहती है कि वो चनचड़िया लगाओ। मैंने कहा यार उसमें मायरा ने किया था, अब तू कर रहा है या कर रही है? हाँ तो अजीब सा लगता है, लेकिन तुम्हारी मैं ख्वाहिश पूरी करता हूँ, जरा चनचड़िया लगाएगा, लेकिन लेकिन खुदा का वास्ता बस उसको सही कीजिए। ऐसे नहीं, गले में डाल दो, गले में, गले में डाल दो, गले में, गले में, नहीं नहीं बेटा साइड में बांधो, साइड में बांधो। और मैं एक बात बताऊं, ये चीज ये परफेक्ट इतना हिट हुआ है, मैंने जो अभी तक नहीं सुना होगा वो इतना हिट हो गया कि घर में भी अफगान कलम होता है जब अम्मी कहे अफगान जले। अच्छा मेरे तो ख्वाबों में बचपन से ही वही आती है। अगर मुझे दूसरी शादी करनी है तो यू नो दैट आई ऑलवेज वांट टू मैरी यू एंड प्लीज। ओह माय गॉड, अगर मामला इतना सीरियस है सब हाथ जोड़ के बोलो कतरीना खुदा के वास्ते आ जाओ यार, अल्लाह खुदा खुदा के शादी। अरे यार एक मिनट, तुम लोग चार दिन से सब कुछ कर रहे हो वो सही है। हाँ, तो चार दिन लेकिन अगर अच्छा अगर कटरीना मान जाती है तो साहिर का शादी भी यहीं पर ही होगा इसी तरीके से, और हम करेंगे और इनके शादी की छोटा सा एक ब्रेक के बाद मिलते जाओ। ओके ये मेरे पास दिल है और आज एक खेल खेल रहा हूँ, और आज मैं खेल रहा हूँ इन लोगों के साथ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये शो मेरा आखिरी भी शो है तो आप लोगों को याद तो रहे कि हम लोगों ने क्या एक्टिविटी की थी। अरे यार ठीक है ना, इट्स ओके नॉट टू बी वरी। अच्छा लियाकत के लिए बहुत सारी तालियां, लियाकत हमारे हाईकोर्ट के एडवोकेट है, बहुत सारी तालियां लियाकत के लिए। ऐसे नहीं यार सर, हमारी वाली तालियां, 1 2 3 गो। अच्छा जी म्यूजिक बजेगा, पीछे से चलेगा और जल्दी जल्दी बंद कर दीजिएगा, फलक तुमको दे रहा हूँ ये, मैं पास ऑन करना है आपको और मैं आप लोगों को टास्क दूंगा खुद, आप लोगों को क्या करना है और जिसको भी मैं जो टास्क दूंगा यहाँ से बजाएंगे, इंतहाई थके हुए म्यूजिक हो जाओगे। अच्छा फिर हम नहीं, ये यहाँ से नहीं यार, वहीं से लगाओ यार, भाई वहीं से लगाओ, वहीं से लगाओ, देयर यू गो, दैट्स इट, दैट्स इट, 1 2 3 गो, देयर यू गो, दैट्स इट, ओए होए, ये बात, शाबाश, पीछे भी दीजिएगा, नहीं नहीं इधर 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 इधर, हाँ जी तो क्या करवाया जाए इनसे, नहीं आप यहाँ पर आइए, इधर आइए, इधर आइए, डांस बिल्कुल नहीं, डांस बिल्कुल नहीं, ये पकड़े वली तुम यहाँ पर खड़े हो, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये,
आपको तुम्हें ये इनको पहनाना है, और सुनिए 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 सुनिए, आपको इनसे इजहार मोहब्बत करना है, और पीछे गाना लगेगा दिल फकीर तेरे लिए हुआ है रब ही। लेकिन 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 पहले इजहार मोहब्बत होगा उसके बाद, और तुम इंसानों की तरह रहना। देखो आपने इनसे इनको जताना है कि आपको कितने अच्छे लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं, हसीन लगते हैं, आप इनके बगैर जी नहीं सकती। मान जाओ वरना आलिया भट्ट का मैं बिल्कुल, हाँ वो आंखों में चमक आनी चाहिए। बिल्कुल मैं एक अच्छे परफॉर्मर हूँ और इंशाल्लाह ताला अच्छे परफॉर्मेंस। आइए जी आइए, और इसको एक एक्टिंग समझना चाहिए। क्या एक्टिंग? मैं सीरियस हूँ। यू आर अ ड्रामा आर्टिस्ट। क्यों? दिखाओ। अच्छा आप सही है, बाद में भी तो सुननी है। बात सुने, मुझे आपसे बहुत प्यार है। कोई बात नहीं, अगर आप पे भाई यकीन नहीं आ रहा कसम से। को एक्टिंग करने तो हर वक्त आप स्टेज नहीं करते। अच्छा, अच्छा। चुप करके सुन लो। अच्छा चुप करके सुन लो। मुझे आपसे बहुत प्यार है, आप इस चीज को क्यों नहीं मान रहे थे? मैं नहीं रह सकती आपके बगैर, समझने की कोशिश करें आप, क्या आप मेरे बगैर रह सकते हैं? बताएं, आपको आपके छोटे छोटे बच्चों की कसम में बताएं, रह सकते हैं? देखिए मैं आपसे बहुत प्यार करती, मैं रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर? तुम क्या खांसी का सिरप हो? आप मुझे कुछ भी कहें, कुछ भी कहें आप मुझे, मैं यही जान दे दूँ। नहीं रह सकती, बस मुझे मैंने कह दिया। बहुत खर्चा होता मरने के बाद, कसम से जान नहीं देना। नहीं ये समझने की कोशिश करें, क्यों नहीं समझते आप मुझे? अबे ये पहन तो लो, समझ नहीं रही है तुम? आप अपने हाथों से बना रहे हैं। हाँ बस यही तक था क्या? हाँ जी हाँ जी, म्यूजिक बजाइए म्यूजिक बजाइए। 1 2 3 4 गो। नहीं करना चाहे करें, फिर भी बंद कर दिया। अच्छा जी अच्छा, बिनीता को हम टास्क देने जा रहे हैं। अरे बस करें आप, क्या टास्क देंगे मुझे? क्या मतलब है, अभी तो कुछ नहीं किया ही नहीं मैंने। मतलब अभी तो अच्छा बिनीता, आपको एक्टिंग करनी है और कमाल एक्टिंग करनी है, आपको गाने पे डांस परफॉर्मेंस देनी है और खूबसूरत परफॉर्मेंस देनी है, और आपके साथ मैं बहुत बहुत खूबसूरत हीरो को लेके आ रहा हूँ। हसीन तरीन हीरो है, ऑनेस्टली आई थिंक ही इज गोइंग टू बी ब्रिलियंट। खूबसूरत आदमी है, इतना अच्छा आदमी है कि कोई हद नहीं। और बनीता वो वाला राजा, कोई बात नहीं, राजा राजा। सांसें तेरी, बातों में बातें तेरी, हर ख्वाब में तू है शामिल। चाहूं तुझे मैं चाहूं,
देखूं जहां मैं पाऊं हर जिक्र में तू है शामिल तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं फकीर तेरे लिए हुआ है रब ही जाने इसे क्या हुआ है दिल फकीर तेरे लिए हुआ है रब ही जाने इसे क्या हुआ है अच्छा अच्छा हम कटरीना की बात करें आपको बुरा लगता है और आप यहाँ पे क्या कर रही थी अच्छा मुझे नहीं आया कि बनीता को इतनी अच्छी इतनी टैलेंटेड है बनीता बहुत प्यारे राजा यो राजा मैन यो यो अच्छा म्यूजिक बजाइए गो 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 नहीं नहीं पलक 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 पे बंद हुआ है पलक पे बंद हुआ है पलक पे बंद हुआ है ना पलक पे पलक पे बंद हुआ नंबर ये पलक सर पलक आई आई पलक का तो डांस होना चाहिए भाई फैसल नकवी इज योर हीरो आई नो यू वांट टू एक्ट राइट आज हम आपकी एक्टिंग देखना चाहते हैं पैशन देखना चाहते हैं आपकी एक्टिंग का ठीक है फैसल नकवी इज योर हीरो और फैसल एनी अदर ऑप्शन हां शानी शानी ओ ओ इससे ज्यादा अच्छा हीरो इससे चलेगा ये तो आप कुछ यार वैसे फैसल नहीं है कि फैसल मिल गया लॉटरी निकल गई हां बेस्ट ऑप्शन चलो चलो घर चलते हैं नहीं 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 घर नहीं जाओ बहुत हो गया देखो हाई टू आई सब बेस्ट हां बिल्कुल एकदम आई मीन ही लुक्स माशाल्लाह वेरी गुड हां जी तो हियर वी गो लेकिन ये आपसे प्यार नहीं करते हैं आपके पास दो मिनट है इनको कन्विंस करने के लिए कि आप ये आपसे प्यार करना अच्छा देयर इज नो डांसिंग ना नहीं देयर इज नो डांसिंग नो डांसिंग हम पीछे म्यूजिक चलाएंगे बस दैट्स इट अच्छा अच्छा हां जी हल्का सा एक्टिंग जी रेडी 1 2 3 गो अरे म्यूजिक तो लगाओ आई लव यू बोल दो नहीं तो अच्छा ओके इस कदर मुझे तुमसे प्यार है देखो ये लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं चुप हो जाओ इधर सही तो कर रही है देखो तो मैं कह रही हूँ मुझे देख कंफ्यूज ना करो तुम्हें पड़ा हम लोग वो कर रहे वो नहीं मान रहा वो मना रही है अच्छा ना रीना रिलैक्स नो स्माइल ऑन योर फेस यार आप लोग चुप होंगे बस चुप इन लोगों चलो चलो मैं तो चुप करवा रही हूँ चलो इधर देखो मेरी तरफ फैसल इधर देखो क्या हुआ है क्या हो गया ऐसा ये पागल ने मार भी नहीं फिल्म की रील क्यों जाया कर रहे नहीं नहीं अब हालत है इन लोगों को बोलने दो ठीक है अभी इनका वक्त आएगा इनके ऊपर भी आने वाला है पहले फिकर ना डट के रहो तो उसको करने दो ना हम नहीं घबराते पैसा हां ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना ये जो तुम्हारी यार ला कैसी कैसे आंखों से आगे बढ़ जा अल्लाह के वास्ते बढ़ा गए क्या हो गया तुम्हें जी बच्चों जैसी बातें छोड़ो बच्चों जैसी बात तुम मुझे बताओ मुझे सच से बचाओ बताओ जब तुम मुझे देख जब तुम मुझे देखते हो तो तुम्हें कुछ नहीं होता पलक हम सिर्फ अच्छे दोस्त और बस कैसे करेगा तुम्हारे साथ
कोई बात, ये फ्लर्ट कर रहा है तुमसे, ये तो मेरे साथ है, मेरा शौहर है, मेरा मियां, कैसे कर सकते हैं ये, फ्लर्ट कर रहा है तुम्हारे साथ। दो मिनट दे देंगी बस। ये कहाँ से टपक पड़ी? नहीं, एक सेकंड। तभी तो फ्लर्ट कर रहा है। दो मिनट, सिर्फ दो मिनट दे रहा है। यार थोड़ी एक्टिंग करने दो यार इनको यार। करने दो यार। आज कर ही लो। सही। तुम सच से बताओ। जब तुम मुझे देखते हो तो मैं कुछ नहीं होता। क्या हो गया फलक? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। झूठ बोल। मेरी आंखों में आंखें देख के बात करें। कितना बोलती है ये? चुप रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रही हो। तुम झूठ बोल। तुम झूठ बोल रहे हो। हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन क्यों? मुझ में क्या कमी है? टेंशन की। क्योंकि आपका बोलने के मली भाई अच्छा नहीं है पंगे। हम तुम्हें इतना वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। क्या ये क्या है यार? ये खत्म क्या? आपने कुछ कन्विंस नहीं किया। आप देखें बीच बीच में से इतना वो हो रहा है। मैं अच्छा अच्छा ठीक है, बस बस एक मिनट यार, जल्दी आई लव यू बोल दो जल्दी। अरे आई लव यू बोल रहे। अरे यार आप लोग नहीं करें यार, आप लोग गलत कर रहे हैं इसके साथ यार। फलक प्लीज गो। कहाँ थे हम? मारेंगे प्लीज। हम कहाँ थे? कमी पे थे। क्या कमी है? लेकिन क्यों? मुझ में क्या कमी है? मैं दरक्षण से प्यार करता हूँ। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं और दरक्षण एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह। नहीं नहीं फैसल, मेरा दिल झूठ नहीं कह सकता। मैंने खुद महसूस किया तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार। देखो फलक, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और चाहता तो मैं भी तुम्हें था, लेकिन कुछ मत बोलो प्लीज। नहीं बोलो, मुझे नहीं सुनना। अरे कोई बोलेगा नहीं तो प्यार का इजहार कैसे करेगा? वो कुछ और बोल रहा है ना। अच्छा, मैं तुम्हें बहुत चाहता था। वाह वाह। लेकिन थे का क्या मतलब है? मेरा ख्याल था कि तुम वली भाई से प्यार करती हो, इसलिए मैंने हिम्मत नहीं की। अच्छा कितने मजे के बोलो। ये मैं प्यार नहीं करता। लगा रहे तुम लोग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए दीजिए दीजिए दीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से पास ऑन। अब इनको देना हम। क्विक 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 क्विक। दोनों आ जाओ, इसी पे ब्रेक पे जाएंगे। ऊपर लगाओ अफगान जलेबी, एक अफगानी दूसरा जलेबी। आ जाए, लगाइए, गो 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 गो, अफगान जलेबी। परफॉर्मेंस है जी दोनों की। शुरू किया था
तो उस जमाने की बात है, नया नया हम लोग शो लॉन्च कर रहे थे, तो उसमें रोहन से मेरी मुलाकात हुई थी एंड छोटे उस्ताद से ये होके आए थे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने नाम कमाया था। इस वक्त ये लाहौर से आए हमारे लिए स्पेशली, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये उस शहर से आए हैं जो पाकिस्तान का दिल है, इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। और सर बॉस आप भी गाएंगे मेरे साथ साथ साथ, मुझे माइक दे दीजिए। तो शादी का माहौल है, सेगमेंट भी शादी का है, तो उसी हवाले से मैं चाहूंगा कि सॉन्ग हो। आप लोगों की तालियां होनी चाहिए, इसको बढ़ा दे बेटा मेरे माइक को भी। जिंद नावे कर जांदा जिंद नावे कर जांदा ओ लोग कहते छड़ माही मैं छड़े ते मर जांदा। क्या बात है, क्या बात है, आप सबकी तालियों के साथ। ओ माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, ओ माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, भाई माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों ढोलेगा क्यों मायेगा दिला करा मैं तलक बारी बिस्मिल्ला करा, तालियां बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा, ओ माड़ा है ते माड़ा से यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों ढोलेगा क्यों मायेगा दिला करा मैं तलक बारी बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा। वली भाई आ जाएं आप। अच्छा एक बात है, इस गाने पे जरूरी है, ये मेरे मुल्क के फनकार है ना, तो इनके लिए तालियां पूरी पूरी होनी चाहिए। हम लोग कब जोर से बजाओ यार, ये जाए तो उसका पता चले ये शो में आया हमारे। ये बात है, चंगे होवन यार ते हर कोई सड़दा है, ताइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दा है। क्या बात है, जाओ जावेद भाई आ जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चंगे यार ते हर कोई सड़दाए, ताइयो सारा शहर मेरे नाल लड़दाए, भाई सारे तो वड्डा फनकार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों ढोलेदा क्यों मायेदा दिला करा मैं तलक वारी बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा। प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूरे, रब कोलो दिल जाने मंगना जरूरे, हाल न जाने मेरा दुनिया ने माने, ओ मेरे दिल दा जरूरे, तेरे पीछे मैनू ए सारी हयाती थोड़ी लगदी सोहनी लगदी, ओ मैनू सोहनी 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 लगदी। ढोला सानू ढोला सानू प्यार ते नशिया ते लाके, ते हुण साडा जानू नहीं बणदा, ढोला सानू प्यार ते नशिया ते लाके, आदू पर तालियां, तू हुण साडा जानू नहीं बणदा, तू हुण साडा जानू नहीं बणदा, चंगे भले हासे साडी जिंदगी बन जाके, तो
ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਗਾਇਸ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਯੂ ਗਾਇਸ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਦੋਨੋ 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 ਦੇਰ ਯੂ ਗੋ ਢੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੌਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੌਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜੋਏ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜੋਏ ਕਿਉਂ ਢੋਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਏ ਦਾ ਕਿਰਾ ਕਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਖਵਾਰੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਮਾੜਾ ਦਿਸਣਾ ਸਹੀ ਯਾਰ ਜੋਏ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜੋਏ ਕਿਉਂ ਢੋਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਏ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਖਵਾਰੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ 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 क्या बात है रोहन के लिए बहुत सारी तालियां बहुत सारी तालियां सॉरी एक बात है ये जरा खोलिएगा तुम्हें खान साहब की एक वो गजल आती है गाना आता है चांद तू जब भी मुस्कुराता है दिल मेरा डूब डूब जाता है सुनी भी है तो बॉस सुना दो ना थोड़ी सी सुना दो पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है मेरा मन कर रहा है कि मैं ये सुनूं फिल्म सरहद का गाना है खुर्शी साहब की मौसीकी है ख्वाजा खुर्शी दनवर साहब की मौसीकी है और मैडम नूरजहां और मेहदी हसन की आवाज़ का ये गाना था खूबसूरत गाना था चांद तू जब भी मुस्कुराता है दिल मेरा डूब डूब जाता है तो प्लीज़ थोड़ा सा अगर सुना दो हाँ साहब का कौन सा गाना याद है मेहदी हसन खान मेहदी हसन जब कोई प्यार से बुलाएगा उनकी एक गज़ल है चरागे तूर जलाओ नहीं जब कोई प्यार से बुलाएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा मैं आपके साथ गा नहीं मेरे साथ तो क्या गाओगे तुम ये अच्छा है हाँ जी जरा दीजिएगा एक आप लोग तालियां बजाइए करो शुरू करें हाँ जी जब कोई प्यार से बुलाएगा होगा प्यार का क्या कर रहे हो उनको अंतरा मिक्स क्यों कर रहे हो स्थाई कोई बात नहीं होता है तेरे लब पे नाम होगा प्यार का शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा जब कोई सितारा टिमटिमाएगा जब कोई सितारा टिमटिमाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम
सोओगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तो मेरा दिल तू मेरी जान, जाने जा मेहरमान। तू मेरा दिल तू मेरी जान, जाने जा मेहरमान। तू मेरा दिल तू मेरी जान, जाने। Alright, जी, alright. तालिया, oh, तकिया गाएं. Okay, जी, here we go. Pillow, 1, 2, 3, 4, and go. गजाला पा. अच्छा जी, अच्छा गजाल आपा, आपने एक मिनट तक बगैर रुके मिसेस खान की बुराइयां करनी है। कुछ और दे दूं, चले बुराइयां नहीं, तो एक मिनट तक मिसेस खान की अच्छाइयां करनी है यार। आइए जी, सामने करूंगी ना, आपका अभी करवा देता हूँ सास बहू वाला, इसके बाद मिसेस खान। हाँ, मिसेस खान दुनिया की वो खातून है जो बहुत ही हसीन है और बहुत ही स्मार्ट है और बहुत ही सुगढ़ है, इतनी सुगढ़ है कि इनके चर्चे पूरे पाकिस्तान में, इनका हस्बैंड इनसे इतना प्यार करता है, इनके बच्चे इनसे इतना प्यार करते हैं, इनके पड़ोसी इतना प्यार करते हैं, और हमारे सेट पे आती हैं रौनक लग जाती है, आँख उठाती हैं तो सीन सारे रुक जाते हैं, उधर ही रुक जाते हैं, मुस्कुरा के देखते हैं तो शायद जो हो जाता है, ओ काश मैं पहले पैदा हो जाता, ये बात में पैदा हो जाती, लेकिन ऐसा हो ना सका। और आज मिसेस खान है, और मिसेस खान एक बात बताऊं, अब मुझे बड़ा अफसोस होता है, काश मैं अब पैदा हुई होती और अब 16-17 साल। आप ऐसा क्यों महसूस करती हैं कि आप अभी नहीं पैदा हुई? मुझे तो आप ऐसा लगता है कि अभी अभी पैदा हुई हैं और अभी अभी जवान हुई हैं, और जवानी में जो चटके और मटके करती है ना, क्या बात है मिसेस खान का, डांस करती है बस हिला के रखते हैं। और बोल तो एक काम करते हैं ना, एक गाना लगाते हैं और दोनों के लिए, टू वेरी ब्यूटीफुल लेडीज। या अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गाना नहीं लगेगा, सास बहू का कर लेना, सास बहू का कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, सास बहू का कर लीजिए। ये बताइए मिसेस खान आपको बहू की जरूरत है? बिल्कुल है। आप किस किस्म की बहू चाहती हैं? ये बच्ची जो है, तो क्या करेंगी आप, जरा ये बहू बन के खड़ी हो जाए। वैसे एक बात है, मिसेस खान ने ऐसी बहू चुनी है कि सिर्फ ये बोलेंगी, वो कुछ नहीं बोलेगी, या तो बोलने वाली बहू, कोई मुकाबले वाली बहू नहीं रहेगी। अरे अरे बेटा गजाला, मेरा मेरा पर्स तो देखो कहाँ है, अरे जल्दी देखो, अरे बेटा जल्दी ला मेरा पर्स लेकर, वो रख पीछे, वो आपका मियां ले गया। नहीं नहीं, वो पर्स ही दो भाई, अरे बेटा तुमने मोबाइल रख दिया था। अच्छा मेरा बच्चा, मैं बताऊं, आज हम लोगों की जरा पार्टी है, वन डिश पार्टी है, उसके बाद गजल नाइट होगी, तो मैं चाहती हूँ बेटा तुम घर का ख्याल रखना और नौकरों को भी देख लेना,
जो खाना हो बनवा लेना। नहीं नहीं, आप हमारी बात कर रहे थे बेटा झाड़ू पोछा लगा के बर्तन धो के और ताला लगा के तुम बाहर बैठ जाना जब मैं आऊँ तो अंदर आना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही घटिया सास। मुझे ये बताएं जी बेटा, आपका बेटा दिखता कैसे ताकि मैं देखूँ तो पता तो चले। तुम्हें तो पता है। अरे तुम बहू हो, शादी हो चुकी है तुम्हारी, शादी हो गई है। मैं जा रही हूँ बंठन के, तो आप चाहती मैं घर में रहूँ। बेटा बच्चे दो तुम्हारी ट्विंस पोतियाँ हैं मेरी, उनका ख्याल रखना, बच्चों को देखना, आया कुछ काम करवाती रहना, ऑर्डर देती रहना, होता रहेगा। मैं जरा जाऊंगी लेट आऊंगी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि डिनर भी है और उसके बाद फिर मुझे लगता है बहू ये है, सास में हूँ, गजल नाइट भी है। नहीं नहीं, गजल नाइट भी मेरी। हाँ, मैं नहीं चल सकती क्या? तो बेटा तुम्हारी दो बच्चियाँ रोएंगी, तुम उनको के साथ लेकर चलते हैं ना? बेटा तो आप संभालिएगा ना, ये साथ ले चलते हैं। नहीं संभालना संभालना, बच्चा नहीं आता मुझे, मैंने अपने बच्चे भी ना संभाले। देखो मुझे मुझसे सारे घर का काम करवा लो, सारी जगह फिरवा लो, लेकिन बच्चे लेकर नहीं, मैं री 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 बैठ सकती हूँ। उसने मेरे कान में कहा कि बच्चे जो है ना वो मैं साथ ले जाती हूँ, आप घर का काम करें, आप घर पे घर घर का काम करने वाले हैं तो सही, तुम्हें क्या फिक्र? नहीं तो आप ऑर्डर दे लीजिएगा ना, घर पे रह जाइएगा। नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता? फ्रेंड्स मेरी मेरी उम्र की ये बच्ची क्या करेगी, कल की बच्ची क्या सास सच में ऐसी होती है? आप घर में बैठे आओ, तुम जाना हमें डेट पे, बस बैठ जाइए। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लगाइए जी लगाइए, 1 2 3 4 एंड गो। हाँ जी हाँ जी, दोबारा से दोबारा से दोबारा से दोबारा से दोबारा से रामेश 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ रामेश रामेश। हम लोग सर की फिल्म्स देखते हैं, सर को बहुत पसंद करते हैं, तो पहले तो सर से हम दो रिक्वेस्ट करेंगे। एक तो सर की पिक्चर, हम सर की पिक्चर आ रही है रास्ता, तो सर ने उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की है और हमें बहुत अच्छे लगते हैं सर। सर प्लीज़ अगर आपकी इजाज़त हो मैं कुछ कर लूँ सर, प्लीज़ मैं आपका आई एम योर फैन सर, सर प्लीज़ आई एम योर फैन सर प्लीज़ यानी अच्छा तो थोड़ा सा एक डांस हो जाए और उसके बाद सर मैं चाहूँगा आप दो तीन डायलॉग सर अपनी पिक्चर के बोल के दिखा दीजिएगा सर। सर वो आप ही के डायलॉग्स हैं सर, सर प्लीज़। नहीं सर आप डांस करेंगे सर, सबसे पहले डांस होगा ना यार, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, डांस होगा सर सर सर। आई गिव यू परमिशन टू हैव टू लेडीज विद यू, दो लड़कियाँ, दो खवातीन, दो हीरोइंस आपकी, आप उनके साथ डांस कर सकते हैं सर प्लीज़। लेकिन प्लीज़ डायलॉग बोलिएगा सर, सर उसके बाद सर प्लीज़ 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 सर गाना लगाइए कोई भी सर, सर पिक कीजिएगा सर। सर सर ये आप दोनों लेडीज यहीं रहेंगी सर, आपकी दोनों हीरोइंस रहेंगी सर, सर के पिक्चर के डायलॉग सुने सर, सर प्लीज सर, सर के लिए बहुत सारी तालियां सर। थैंक यू सर सर, थैंक यू सर सर। पहले प्रमोशन कर दो थोड़ी सी। हाँ सर, 23 मार्च को आप सब सिनेमा आ रहे हैं रास्ता देखने के लिए, सो में साहिर भाई की पिक्चर है, हमारी पिक्चर है और पाकिस्तान की पिक्चर है, और एक डायलॉग जो बहुत फेमस हुआ है सब बोल रहे हैं फेसबुक। अरे इसको जरा लाउड आउट करो, थोड़ा सा लाउड करो, okay. इसको लाउड करो थोड़ा सा, पूरे बैंक्स दीजिएगा। कॉपी कर रहा हूं, आपको सॉरी का ट्वीट सॉरी बोला। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
तो क्या हो गया, अच्छी बात है ना, अच्छा सीख रहा हूँ यार, अच्छा कर रहा हूँ ना सब कुछ मैं। दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है, यहाँ कुत्तों को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। और खालदा को बड़ा अच्छा लग रहा है, मोहब्बत पाने का नाम है, अरे वाह, मोहब्बत खोने का नाम, सर सर प्लीज, मोहब्बत खो जाने का नाम है, और मुझे सबसे गाना पड़ेगा तुमको, इधर आओ यहाँ आओ। जब मोहब्बत के डायलॉग बोलते हैं ना तो ऐसे नहीं बोलते, थोड़ा जरा बोलना, फील वील भाड़ में भी फील नहीं, फील नहीं लाते, मैं बताता हूँ क्या लाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाओ, बड़ा बड़ा बड़ा, हाँ ऐसे, इधर आओ तुम, सिखा रहा हूँ, देखना देखना, मोहब्बत पाने का नाम है, मोहब्बत खोने का नाम है, मोहब्बत हो जाने का नाम है, और मुझे तुमसे हो गई। ऐसा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे बात करनी है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं करते, बिल्कुल एंड में करेंगे, जब 7-8 मिनट रह जाएंगे मुझे इशारा कर दीजिएगा, तो देन आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है और मैंने क्या फैसला किया है इसके बारे में, लेकिन अभी तो फिलहाल तो 10-11 मिनट है हमारे पास, उसके अंदर हम लोग खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। सी, एक एक लम्हा ज़िंदगी में काउंट होता है, एक एक सेकेंड ज़िंदगी का काउंट होता है, पता नहीं कौन सा लम्हा आपका आखिरी हो, तो उसको जी लीजिए जितना आप जी सकते हैं। तो आई थिंक ताली शाली बजाओ यार, क्या है। अच्छा जी, कुछ लोग रह गए हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की है, तो म्यूजिक होना चाहिए और जल्दी जल्दी उनको बोला, हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने नहीं की है, सदफ मायरा, मारिया भी रह गई है, रूज भी रह गई है, अंबर भी रह गई है, हाँ अंबर ने डांस किया, फारा भी रह गई है, फारा भी रह गई है, तो फारा भी, तो मैं कॉल करता हूँ, जल्दी जल्दी मैं कॉल करता हूँ, निधा भी रह गई है, तो लेट मी स्टार्ट विद यू, आइए जी, आइए जी, आइए जी, सदफ के लिए बहुत सजाया, तुम्हारा भी वही टास्क है, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने एक बंदा चुना है जिसको तुमको इजहार मोहब्बत करना है, बड़ा कमाल है, बहुत कमाल, हाँ प्लीज करना है, इधर इधर, उमेर को नहीं, क्यों नहीं किया उमेर को, उमेर यार गलत है यार, तेरी बीवी कह रही थी, बिल्कुल ये लीजिए आप, शानी आओ, ओह माय गॉड, जल्दी 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 जल्दी, सदफ एक्टिंग है यार, आपके लिए आपके पास दौलत है, आई लव यू, यार इससे अच्छा हो नहीं सकता था, वैसे मतलब की बात, आपके पास दौलत है, अगर दौलत है तो आई लव यू, और अगर नहीं है तो चल, थैंक यू सो मच, बहुत ऑसम 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 ऑसम, निधा आइए जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी जल्दी, मुझे मुझे नहीं, कोई बात नहीं साहिल, लड़कियों के फाइल्स अगर आपके साथ कर रहे हैं तो, अच्छा चलिए ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, मुझसे सारे मोहब्बत कीजिए, ये लीजिए, ले ले दिल ले ले, आपका क्या जाता है, अरे सुन तो लो, क्या बोल रही, बोल रही कुछ, मोहब्बत पाने का नाम, मोहब्बत खोने का नाम है, और मुझे तुमसे हो गया, बहुत बहुत फिल्म रिलीज होने से पहले ही डायलॉग रट चुके हैं, रट चुके हैं भाई, गाने भी डायलॉग्स थी, आपको टोट के बताया, कभी झांस नहीं देखा आपने फरा का, देखा है आज देखेंगे, लगाइए प्ले कीजिए, ऑल द बेस्ट,
हाँ इसने कभी डांस उसको और ज़रा लाउड कर दो इससे पहले कि मैं सारी बातें आपको बताऊं जरा म्यूजिक प्रॉपर देना दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है यहां कुत्तों को मारने के लिए जानवर All right, ladies and gentlemen. लियाकत को मैं बुलाना चाहता हूँ लियाकत लियाकत हमारे हाई कोर्ट के लॉयर हैं ऑफ कोर्स हमारे लॉयर हैं लियाकत अगर कोई आपसे झूठ बोले
उसकी सजा क्या? देखिए, अगर कोई आपके जज्बात को मजरूह करता है या मिस कमिटमेंट करता है, आप डैमेजेस के सूट भी फाइल कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और क्योंकि उसने आपके जज्बात को मजरूह किया, आपको धोखा दिया उसने, जो उसमें आप डैमेजेस में भी जा सकते हैं, आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। क्या उन्हें सज़ा हो सकती है? देखिए, उसमें कंप्लेंट रजिस्टर होगी और उसके बाद केस जो है ना, एविडेंस लीड करने के बाद डिसाइड करती है कोर्ट। लेकिन सज़ा हो सकती है उसमें, सज़ा हो सकती है। इसमें माइक खुला हुआ आ रही है आवाज़? ओके। इसमें फ्रॉड धोखाधड़ी के जमरे में आती है, 419 से 420 सेक्शन इसमें लगती है। और अमूमन जो है ना, इस तरह के जो केसेस, वो चलान भी होते हैं और प्रोसिक्यूट भी होते हैं। और प्रोसिक्यूट भी हो जाते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि उसके बाद मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे, अगर आप मेरी जगह हो तो आप क्या करें? अगर मैं आपकी जगह पे हूँ तो मेरे ख्याल में फौरी तौर पे मैं थाने जाऊँगा और जाके एप्लीकेशन दूंगा, और जिस शख्स ने जो है ना धोखाधड़ी फ्रॉड किया है उसके खिलाफ फौरन जाके FIR दर्ज करवाऊंगा, उसको अरेस्ट कराऊंगा और बिहाइंड दीवार करवाऊंगा उसको। थैंक यू। सिंस लास्ट नाइट, बल्कि परसों रात 2 बजे से मैं कॉन्टेम्पलेट कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। 2 लोग रहते हैं, एक साहिर लोधी है जो आपसे मिलता है और एक साहिर है जिससे मैं मिलता हूं। जो साहिर लोधी है वो आपका है, जो साहिर है वो सिर्फ मेरा है। जो साहिर लोधी है वो एक नॉर्मल सा आदमी है, उसे गुस्सा भी आता है, तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है। जो साहिर है उसके अपने कथार्सिस हैं, वो जरा सा डिफरेंट है। उस तक एक्सेस सिर्फ मेरा है और मेरे अलावा किसी का नहीं है, वो मेरी प्रॉपर्टी है। साहिर लोधी आपका है। लेकिन कहीं एक जगह ऐसा होता है जब साहिर और साहिर लोधी का एक ब्रिज बनता है। उस ब्रिज के जरिए साहिर लोधी साहिर से कम्युनिकेट करता है, दोनों एक बात पे एग्री करते हैं और उसके बाद एक फैसला लेते हैं। अप टिल 9 o'clock दिस मॉर्निंग, आई वॉज लीविंग द शो। सुबह 9 बजे तक मैं ये छोड़ रहा था। उसका रीजन ना तो मेरा इंस्टीट्यूशन है, इससे मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा मोहब्बत है, इससे बेहतर इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में नहीं है और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये मेरी टीम है जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे लोग हैं जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, TV1 मुझे बनाने वाला है और मुझे नहीं लगता कि मैं TV1 से कहीं जाने वाला हूं। तो इसलिए मेरा जो भी फैसला है या जो भी फैसला था वो सिर्फ और सिर्फ उसके अपने मेरिट्स हैं और उसके मेरिट का मेरे इंस्टीट्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं। उसका ताल्लुक इस बात से है कि मुझे तकलीफ पहुंची है, एक खास बात से। कल यहां बारात नहीं गई, आज यहां वलीमा नहीं हुआ। साहिर लोधी बहुत कुछ गलत कर सकता है, शायद साहिर से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, इसलिए मेरे अंदर और बाहर की जो जंग है उसमें जीत हमेशा मेरे अंदर की होती है और आज भी यही हुआ। आज भी जीत साहिर की हुई है, साहिर लोधी की नहीं हुई है। इसी वजह से मैंने ये फैसला किया है कि मैं, मेरी टीम, मेरा इंस्टीट्यूशन हर उस चीज को माफ करता है, हर उस चीज को माफ करता है जो चीज गलत है, जो चीज दुरुस्त नहीं है। ना तो मैं कोई पिटीशन दाखिल करूंगा, ना मैं कोई कंप्लेन करूंगा और ना ही मैं किसी के खिलाफ कोई कानूनी चार्जशीट करूंगा। क्या मुझे तकलीफ पहुंची है? मेरे इदारे को तकलीफ पहुंची है, मेरी टीम को तकलीफ पहुंची है, ऑडियंस को तकलीफ पहुंची है, हां पहुंची है। लेकिन
अगर हमने भी वही किया तो फिर हम में और दूसरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। कभी कभी जिंदगी में इंसान को वो करना होता है जो सही है, वो नहीं जो आपके लिए सही है। जो सही होता है सिर्फ वही सही होता है। अक्सर जो आपके लिए सही होता है वो सही नहीं होता। मैंने, मेरी टीम ने और मेरे इदारे ने यह फैसला किया है कि हम वो करेंगे जो सही है। क्या हुआ अगर एक शादी में बारात नहीं जा सकी? क्या हुआ अगर हम एक वलीमा नहीं मना सके? मैं चाहूं यहां तो आपको वो बात बताऊं जिसकी वजह से हमने नहीं मनाई। यहां आप लोग हमारे लिए तालियां पीटेंगे, तालियां बजाएंगे, हमें दाद देंगे, हमें बोलेंगे कि हमने बहुत अच्छा किया और बड़ा जबरदस्त फैसला था, हमारी टीम को सराहेंगे, हमारे इदारे को सर पे उठा लेंगे और रेटिंग्स यहां से लेकर यहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आज मुझे मेरी टीम को एक फैसला करना है कि हमें रेटिंग्स चाहिए या हमें सच चाहिए। अगर सच चाहिए और इज्जतों का पास है तो फिर यह बात आज के बाद मुझ तक ही है। हां, एक बात जरूर हुई है, मैंने इसका एक रिकॉर्ड रखा है, इसकी एक टेप है जो मेरे पास है, मैंने वो कल दोपहर में बनवाई थी। उसका रीजन ये है कि कल अगर मैं ना भी रहूं तो भी आप लोगों के पास हमेशा ये रहेगा, जो मेरी बेगुनाही को, मेरे इदारे की बेगुनाही को और मेरी टीम की बेगुनाही को साबित करेगा। गुनहगार तो हम वैसे भी नहीं है, हमने तो एक सॉलिड एफर्ट की थी, एक ऐसी एफर्ट जिस पे हमें फख्र हो सकता है। लेकिन कहीं ज्यादा फख्र मुझे आज अपनी टीम पे, अपने इदारे पे है, क्योंकि हमने आज जो किया है वो किसी के भी बस की बात नहीं थी। क्योंकि हमने आज जो किया, हमें पता है कि कल हमको ये खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन हमने कल खत्म नहीं किया, हमने कल भी शादी मनाई और हमने आज भी वलीमा मनाया है। तो जो मेरी टीम ने किया है, मेरे इदारे ने किया है, आई एम प्राउड ऑफ देम। और मैं यहां पे कोई डिटेल नहीं बता रहा, कोई भी डिटेल नहीं बता रहा। उसका रीजन यह कि अगर मैं कोई डिटेल बताऊंगा तो लोगों का एतबार बहुत सारी चीजों पे से उठ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि हम अपना एतबार खोएं, मैं नहीं चाहता कि हम अपने रिश्ते खोएं, और सबसे बढ़कर मैं नहीं चाहता कि हम अपनी इज्जतें खोएं। हमारा काम लोगों को इकट्ठा करना है, हमारा काम लोगों को साथ जोड़ना है, हमारा काम लोगों की इज्जतों का पास रखना है। And as God my witness, till the day I die, I will make sure that we can keep continue doing that. तकलीफ है, बिल्कुल है, गुस्सा है, बिल्कुल है, लेकिन मेरी अना मेरे गुस्से से बड़ा मेरे रब का रहम है। अगर हम ये छोड़ दें जो हम कर रहे हैं तो शायद आगे ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने अपनी टीम को भी नहीं बताया था, इनको मैंने इन्फॉर्म किया था कि आज ये हमारा आखिरी शो है। अब बता रहा हूं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. ek waqiye ki wajah se hum rukhsati nahi kar paaye, walima nahi kar paaye. main us waqiye ki detail nahi bataunga, aap chahe mujhe kuch bhi samjhe. shaadi real hai, har cheez real hai, main nahi batane wala. kabhi jab main nahi rahun usko nikal ke dekh lijiyega, aapko pata chal jayega कि मैंने ये क्यों किया। अपनी टीम से कह रहा हूं, आई एम प्राउड ऑफ यू, लेट्स मेक श्योर कि पाकिस्तान का ये नंबर वन शो तुम लोगों के साथ और मेरे साथ हमेशा चलता रहे।
सो थोड़ा समझो, हाँ थोड़ा समझो जरा, अफगान जलेबी लगाओ, क्योंकि तुमको बता रहा हूं कहीं जाने वाले नहीं है हम लोग, यहीं पर है इसी जगह। लेडीज एंड जेंटलमैन, शादी मुबारक। मंडे मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए, अरे अफगान जलेबी सुनो ना, क्या है बस हो गया, बहुत सेंटी हो गए थे, खड़े हो जाओ। तमाम लोगों की इज्जत को अल्लाह महफूज रखे और हमको सच बोलने की तौफीक दे। मैंने एक सच छुपाया है, अल्लाह ताला मुझे हौसला दे के मैं हमेशा छुपा सकूं। Here we go! खायल है तेरा दीवाना भैया, भैया बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भैया, भैया अफगान जलेबी माशूक फरेबी, खायल है तेरा दीवाना भैया, भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भैया, भैया ठहरा ना किसी काम का।